ओके okay, कोई बात नहीं अब नोट्स बना लेना आप ठीक है चलो तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन पार्ट थ्री तो क्लास वन और क्लास टू में मैंने आपको कंप्यूटर की बेसिक uh, नॉलेज दी थी कि व्हाट इज़ कंप्यूटर व्हाट इज़ कंप्यूटर सिस्टम ठीक है उसमें क्या क्या इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में बात की थी और आज हम बात करेंगे सी के बारे में जो कि कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्रेन कहलाता है तो पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तो हमने कंप्यूटर के बारे में आ, देखा था कि व्हाट इज कंप्यूटर ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉन डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स डेटा एज इनपुट परफॉर्म्स ऑपरेशंस

उसमें प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसिंग का काम कौन करता है सीपीयू, ठीक है और उसके बाद प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट डिवाइस के थ्रू तो रिजल्ट शो होता है तो आउटपुट डिवाइस हमारी थी हमारा मॉनिटर हो गया प्रिंटर ये हमारी आउटपुट डिवाइस थी सो वॉट इज कंप्यूटर सिस्टम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम तो हार्डवेयर हार्डवेयर वो होते हैं आवाज नहीं साउंड नहीं है मेरी साउंड uh, ओके है कोई बताए मैसेज करें ओके क्लियर है तो व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम अब हार्डवेयर कौन से होते हैं द फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं जिस तरह से हमारा जो माउस है कीबोर्ड uh, है प्रिंटर है स्कैनर है ये सब क्या है एक हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्हें हम केवल स्क्रीन पर देखते हैं लेकिन हम उन्हें टच नहीं कर सकते जिस तरह से आपका क्रोम ब्राउजर है आपकी यूट्यूब एप्लीकेशन है आपकी जी मेल एप्लीकेशन है जितनी भी एप्लीकेशन है वो क्या कहलाती हैं सॉफ्टवेयर तो इनमें इसको हमने डिटेल में अपनी क्लास वन एंड टू में हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है तो जो हार्डवेयर सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर तो हम बैच टू में कवर करेंगे तो हम इस बैच वन में हम केवल हार्डवेयर पे फोकस करेंगे तो हार्डवेयर है हमारा मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस जिसमें से हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को कवर कर चुके आज हम सीपीयू के बारे में करेंगे ठीक है तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनालिटी देखें तो कुछ इस तरीके से होती है इनपुट यूनिट यानी कि सबसे पहले क्या हुआ एक इनपुट इंस्ट्रक्शन दी गई तो इनपुट यूनिट हमने माउस कीबोर्ड स्कैनर के थ्रू एक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में पास करा किस किसको इंफॉर्मेशन किसको गई ये इंफॉर्मेशन जो जाती है सीपीयू और मेन मेमोरी के कॉम्बिनेशन को हम पास करते हैं तो जो हमारा सीपीयू है वो बना हुआ है एलयू एंड कंट्रोल यूनिट से ठीक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ये इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और ये जो हमारी मेन मेमोरी है मेमोरी क्या काम करती है हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ठीक है सेव करने का जैसे कि हम अपनी कोई फाइल उसमें सेव करते हैं अपने नोट्स लेते हैं उसमें सेव करते हैं तो वो सेव कहाँ होते हैं आपकी मेमोरी में सेव होते हैं इसके बाद हमने जो इंफॉर्मेशन दी हमने कोई कीवर्ड प्रेस किया हमने ए बी सी डी हमने कोई अल्फ़ाबेट प्रेस किया तो वो क्या हो गया हमने कीबोर्ड के थ्रू एक इंफॉर्मेशन पास की अब सीपीयू ने क्या किया उस इंफॉर्मेशन पे प्रोसेसिंग की उसके बाद आउटपुट यूनिट यानी कि हमारे मॉनिटर पर वो हमें इंफॉर्मेशन शो हो गई तो सीपीयू इसलिए हमारा ब्रेन इसलिए कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है क्योंकि विदाउट सीपीयू हम उस अल्फ़ाबेट को स्क्रीन पर नहीं देख सकते ठीक है जितनी भी हम इनपुट इंफॉर्मेशन देते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू के थ्रू होती है इतनी बात क्लियर हुई ठीक है तो सीपीयू सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो ये क्या है सीपीयू यह एक छोटा सा पीस हार्डवेयर का पीस है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम के सभी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग का काम करता है यह कंप्यूटर सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट टास्क जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिक अर्थमेटिक लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को हैंडल करता है अब कौन से हुए? हुआ आपका, जैसे कि आपको एडिशन करना है सब्ट्रैक्ट करना है कोई भी कैलकुलेशन जो होती है वो ठीक है लॉजिकल किसी दो फाइल्स में कंपेरिजन करना है आपको फिल्टरिंग करनी है ये सब लॉजिकल कहलाते हैं और आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जैसे कि माउस को माउस का जो कर्सर मूव करता है जब हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो क्या प्रोसेस होनी है बैकेंड में और प्रिंटर में जिस तरह से हमारा आउटपुट निकल कर आ रहा है वो सारी प्रोसेसिंग किसके थ्रू होती है सीपीयू के थ्रू होती है तो फुल जो वर्क होता है वो सीपीयू पर डिपेंड होता है इसीलिए हम सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं तो so, so, जो हमारा सीपी है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी बोल देते हैं ऑल मेजर एंड कंपेसन आर मेड इन साइड दीपीयू जो भी आपकी जो प्रोग्रामिंग है जो भी प्रोसेसिंग है वो सीपी यू के अंदर होती है CPU is इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स and CU. एंड तो आपके जो ऑब्जेक्टिव uh, क्वेश्चन आते हैं उसमें uh, कभी कभी CPU की जगह प्रोसेसर लिखा होगा प्रोसेसर का फुल नेम बताइए तो जो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का फुल नेम बताइए तो वो फुल नेम किसका बताना है हमें CPU का फुल नेम ही बताना है तो या हम सीपीयू बोले या प्रोसेसर बोले या माइक्रो प्रोसेसर बोले एक ही बात है और इसके पार्ट्स भी आज कंपोनेंट्स भी ऑब्जेक्टिव uh, में पूछ लिए जाते हैं कि सीपीयू uh, के कंपोनेंट्स क्या है ए एंड सीयू इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो सीपीयू के कार्य सीपीयू क्या काम करता है तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है अभी मैंने भी इंग्लिश वाली स्लाइड लगाई थी ये मैंने हिंदी में लगा दिया आपके लिए तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है सीपीयू सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है यह डेटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है इसके साथ ये कंप्यूटर के सभी पार्ट्स प्राय सभी ऑपरेशन को कंट्रोल करता है मीन्स एक तो ये आप सारे ऑपरेशन करेगा और उस ऑपरेशन के फ्लो को कंट्रोल भी करेगा क्योंकि हमने एक साथ दो तीन रिक्वेस्ट एक सेंड कर दी हमने एक तरफ वर्ल्ड फाइल पर प्रोसेसिंग कर ली हमने नोट पैड बना रहे हैं दूसरी तरफ हमारा यूट्यूब भी चल रहा है हम उस पर वीडियो के लिए भी हमने क्लिक कर दिया तो ये सारा जो फ्लो है जिस सीरीज में हमने रिक्वेस्ट सेंड करी है उसको कंट्रोल करेगा कि किस तरह से वन बाई वन रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना है तो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम uh, का ब्रेन क्यों कहा जाता है ये अक्सर पूछा जाता है तो सीपीयू को इसलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है क्योंकि ये सभी इंस्ट्रक्शन चाहे वो कितनी भी सिंपल क्यों ना हो सभी को सीपीयू के माध्यम से ही जाना जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट टाइप करना है आप कीबोर्ड से कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप करना चाहते हैं तो वो अल्फ़ाबेट तब तक आपको स्क्रीन पर शो नहीं होगा जब तक कि सीपीयू उसमें प्रोसेसिंग नहीं कर लेगा अगर आपका सीपीयू वर्क नहीं कर रहा तो आप कितना भी कीबोर्ड पर टाइप करते रहे आपको मॉनिटर पर कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि आप जो टाइप कर रहे हैं अल्फाबेट या फिर कोई नंबर या कोई स्टोरी या कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं वो क्या होगी पहले कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी तो वो सारी जो प्रोसेसिंग है वो सीपीयू करेगा ठीक है सीपीयू का फुल फॉर्म सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो सीपीयू को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय प्रचालन तंत्र या केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ठीक है तो अभी हमने सीपीयू का वर्क देख लिया किस तरह से ऊपर ऊपर का वर्क देख लिया किस तरह से वो काम करता है क्या काम करता है अब हम इसको डिटेल में करते हैं कि सीपीयू वर्क कैसे करता है किन स्टेप्स में वर्क करता है यहां से अभी तक आपको कोई क्वेश्चन किसी को कोई डाउट ओके okay, तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सीपीयू क्या करता है पहले इंफॉर्मेशन को लेता है किससे इनपुट डिवाइस के थ्रू हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन को पहले लेता है इस लेने को क्या कहते हैं फैच करना कि इंफॉर्मेशन को फैच किया कि जैसे ही सबसे मालूम पड़ता है कि इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया जाता है इसमें इंस्ट्रक्शन का मतलब है सीरीज ऑफ नंबर्स जिसे रैम से सीपीयू तक पास किया जाता है इसमें जो जो रैम लिखा है मैंने आर ए एम इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मेमोरी सेक्शन का पढ़ेंगे तब बात करेंगे ठीक है सीपीयू में पास किया जाता है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा ही पार्ट होता है किसी ऑपरेशन का इसलिए सीपीयू को यह पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट आ रहा है करंट इंस्ट्रक्शन एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर के द्वारा रखा जाता है अब इसको इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं अब हमें किसी का नेम टाइप करना है ठीक है कोई भी नेम हमें आ, आ, टाइप करना है तो उसमें कई सारे अल्फाबेट होंगे ठीक जैसे कि यहाँ पर एक सेकेंड ठीक यहाँ पर जैसे कि आ, कोई भी नाम है आ, आपने इल, इल्मा, है, इल्मा 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 है हो पर आप आप ठीक तो अगर अपना नाम लिखोगे तो आई एल एम ए तो वन वाई वन आप टाइप करोगे तो ये जो वर्ड्स जाएंगे वो वन वन इंस्ट्रक्शन के थ्रू जाएंगे तो ये इंस्ट्रक्शन किस सीक्वेंस में जानी है वो सीपीयू को इस पे कंट्रोल करता है इंफॉर्मेशन ले ली वन बाय वन उसको किस फ्लो में उसको लेके जाना है ये भी उसे कंट्रोल करना होगा अदरवाइज जो आपका वर्ड्स जो नेम दिखेगा वो सीरीज में नहीं दिखेगा ठीक है अगर अल्फाबेट का सीरीज हम चेंज कर दे तो नाम चेंज हो जाएगा इसीलिए इंफॉर्मेशन को ये फैच करता है उस पर कंट्रोल रखता है कि उसका क्या फ्लो है कौन सी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डिकोड करना ठीक है अब हमने इंफॉर्मेशन ले ली सीपीयू के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि हमें ये टाइप करना है लेकिन जो इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज होती है आपने लिख दिया उसे एबीसीडी लिखना है या आप कोई भी वर्ड्स टाइप करना है लेकिन कंप्यूटर क्या समझता है अपनी एक एक अपनी कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है तो एक बार इंस्ट्रक्शन को फैच और स्टोर कर लिया गया आई आर में फिर सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को पास कर देता है ऐसे सर्किट में जिसे कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर कहते हैं ये फिर उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करता है सिग्नल में जो कि बाद में पास किया जाता है दूसरे सीपीयू के पार्ट्स के द्वारा आगे के लिए एक्शन कर दिया जाता है अब इसमें क्या होता है अब अगर हम सीपीयू के पार्ट्स को खोलकर देखें तो उसमें सिर्फ वायर ही वायर होते हैं सिग्नल होते हैं तो ये रिकॉर्डर क्या काम करता है उस इंफॉर्मेशन को एज ए सिग्नल दूसरे पार्ट्स में पास करता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिकोडर डिकोड करना

रजिस्टर में जहां पर उन्हें रेफरेंस किया जाता है लेटर इंस्ट्रक्शन के द्वारा या आप इन्हें अपने कैलकुलेटर के मेमोरी फंक्शन की तरह समझ सकते हैं जैसे कि हम कैलकुलेटर में कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हम कैलकुलेशन हमने किया टू प्लस थ्री तो हमने इनपुट दे दिया टू दे दिया प्लस दे दिया थ्री दे दिया अब हमें रिजल्ट चाहिए तो वो क्या करेगा अंदर प्रोसेसिंग करेगा वन बाई वन स्टेप को लेके जाएगा कि पहले टू लेके जाना है फिर उसमें हमें एडिशन करना है थ्री को एडिशन करना है उस फ्लो पे हमारा कंट्रोल रहेगा उसका रिजल्ट निकालेगा और उसको हमें शो करके फाइव हमें शो हो जाएगा तो इसी तरह से वो तो हो गया छोटा सा फंक्शन इसी तरह से जो बड़ी बड़ी फंक्शन होते हैं जो कंप्यूटर हैंडल करता है जैसे कि वीडियो शो करना जी मेल सेंड करना या बड़े बड़े कैलकुलेशन uh, बड़े बड़े नंबर के कैलकुलेशन होते हैं वो सभी इसी तरीके से किए जाते हैं सीपीयू के थ्रू पहले अफेच करना फिर एग्जीक्यूट करना तो इसको अगर हम, इन को अगर हम हम इन को सिंपल वे में समझना चाहे तो हम एक किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि आपको कोई किचन में कोई आ, खाना बनाना है कोई नई डिश आप आ, कभी कभी आप सोचते हो कुछ नया ट्राई किया जाए तो आप सबसे पहले क्या करते हो सबसे पहले उस रेसिपी को फैच करते हो कि वो रेसिपी बनाई कैसे जाती है चाहे आप उसको वीडियो से देखेंगे या किसी और से पूछेंगे अपने किसी बड़े से पूछेंगे पर उसकी एक रेसिपी जानेंगे कि हमें जो रेसिपी बनानी है डिश बनानी है वो कैसे बनाई जाती है उसके स्टेप्स क्या है उनके इंग्रेडिएंट क्या है क्या मसाला उसमें पड़ता है क्या क्या हमें उसके लिए चाहिए ठीक तो हमने पहले क्या किया फैच किया सारी इंफॉर्मेशन को कि हमें क्या मसाला चाहिए क्या सामान चाहिए उसके लिए हमने फैच कर लिया उसके बाद हमने लगाना शुरू किया कि हमें जो एक इंफॉर्मेशन एज ए पेपर पे हमने जो लिखी है कि हमें इसमें सॉल्ट चाहिए नमक चाहिए जीरा चाहिए जो भी है पास्ता चाहिए लिख लिया उसको हमने डिकोड किया उनको तैयार किया इसके बाद हमने एग्जीक्यूट किया यानी कि उसको हमने बनाना शुरू किया तभी आपकी डिश तैयार होती है तो हम पहले फैच करते हैं उसमें भी, फिर हम डिकोड करते हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं और हमारी डिश तैयार हो जाती है सेम वे इस CPU का है कि वो इंफॉर्मेशन को पहले फैच करेगा उसको डिकोड करेगा उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा ठीक है क्लियर हुआ ठीक है तो सीपीयू के कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो सीपीयू का वर्क बता दिया किस तरीके से वो वर्क करता है और सीपीयू uh, के अंदर क्या-क्या कंपोनेंट -क्या? होते हैं तो सीपीयू में एक होता है मेमोरी या उसको हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं यहाँ जो ग्रीन फोटो जो शो हो रहा है इस तरह से अगर हम सीपीयू को ओपन करें तो इस तरह से उसमें पार्ट्स हमें शो होंगे तो इसमें एक पार्ट तो कहलाता है मेमोरी या स्टोरेज यूनिट जहां पर हम डेटा को सेव करते हैं जैसे कि हमने कोई फाइल फाइल सेव की तो वो कहाँ जाके मेमोरी में जाके सेव हो जाती है जहां से हम फैच कर लेते हैं जब भी हमें उसे ओपन करना होता है जैसे आप अपनी पिक्चर सेव करते हैं अपने मोबाइल में इसके बाद कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है जो इंस्ट्रक्शन है उनके फ्लो है उसको कंट्रोल करने का कि किस इंस्ट्रक्शन को किस सीरीज में सेंड करना है एंड थर्ड पार्ट है एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या काम करता है आपके सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को कवर करता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस तरीके के ऑपरेशंस तो सीपीयू को हम डिवाइड करते हैं कंट्रोल यूनिट में और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में हम इसको क्या करते हैं एक मेमोरी को हमने अलग कर दिया और कंट्रोल और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्योंकि ये सेम फंक्शन करता है कंट्रोल यूनिट क्या करता है कंट्रोल करेगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करे क्या करेगा उस ऑपरेशन को करेगा मेमोरी का फंडा अलग है उसको हमने सेपरेट कर दिया क्योंकि वो केवल डेटा को स्टोर करने का काम करेगा

वो केवल हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए है। सो मेमोरी या स्टोरेज यूनिट यह यूनिट सिस्टम के इंस्ट्रक्शन डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करते हैं यह यूनिट दूसरे सभी यूनिट्स को इंफॉर्मेशन भी प्रदान करते हैं और इसे इंटरनल स्टोरेज यूनिट या मेन मेमोरी या प्राइमरी स्टोरेज या रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है

अफेक्ट करती है इसकी स्पीड पावर और कैपेबिलिटी पर प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो मेमोरी होती है ठीक है एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी होती है आपकी इंटरनल और सेकेंडरी होती है जैसे कि आप एक्सटर्नल डिवाइस लगा देते हो जैसे आप आ, अपना मोबाइल यूज करते हो मोबाइल में आप कि एक इंटरनल स्पेस होता है कि आप अपने फोटो को इस लिमिट तक सेव कर सकते हो ठीक है 32GB 16GB जो भी उसकी मेमोरी का होती वहां तक आप सेव कर लेते हो लेकिन कभी-कभी आप क्या करते हो कि मेमोरी कार्ड ले आते हो कि मेरा मोबाइल फुल हो गया है तो एक मेमोरी कार्ड आप अलग से उसमें कर आ, इंसर्ट कर लेते हो तो आपका जो डाटा पिक्स जो सेव नहीं हो पा रही आपकी इंटरनल मेमोरी मोबाइल की फुल हो जाती है तो आप क्या करते हो उसे मेमोरी कार्ड में सेव कर देते हो तो जो मेमोरी कार्ड कहलाएगा वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है और जो आपकी इनबिल्ट जो मोबाइल के साथ जो मेमोरी मिलती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहलाती है इसी तरह से हम कंप्यूटर में भी एक हार्ड डिस्क लगा देते हैं अलग से उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी ठीक है क्लियर हुई बात क्योंकि मेमोरी के ऊपर आपके क्वेश्चन बहुत आएंगे अभी हम नेक्स्ट क्लास में इन क्वेश्चंस को करेंगे जो भी लास्ट uh, ईयर्स में आए हैं उन इस चैप्टर में उन न्यूमेरिकल्स को उन क्वेश्चंस को हम इसमें देखेंगे नेक्स्ट है आपका कंट्रोल यूनिट यह यूनिट कंप्यूटर के सभी पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है लेकिन यह कोई भी एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन नहीं करती तो सीपीयू का जो पार्ट बताया एक ए एल यू एंड एक सीयू यू ए एल यू क्या करेगा सारे ऑपरेशन को करेगा लेकिन सीयू क्या करेगा सिर्फ कंट्रोल करेगा उस फ्लो पर ठीक तो सीपीयू के कंपोनेंट मेमोरी एएलू सीयू मेमोरी डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव करने के लिए एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए और कंट्रोल यूनिट सीयू उस पर कंट्रोल करने के लिए क्लियर क्योंकि जब तक आपकी ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब आप सिर्फ रटोगे जब आपके नोमेरिकल्स आएंगे एग्जाम में उनको आपको रटना पड़ेगा लेकिन आपने अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए तो जब भी नोमेरिकल आएगा आप सोच सकोगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है अगर आप याद भी करके नहीं आए तब भी आप कुछ ना कुछ लिखाओगे उसमें ठीक तो हमने कंप्यूटर इस सीपीयू को डिवाइड किया था ए एल यू में सी यू में और मेमोरी स्पेस में अब ये जो हमारा ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इस यूनिट में भी दो सब सेक्शन होते हैं एक होता है हमारा अर्थमेटिक सेक्शंस और दूसरा होता है लॉजिक सेक्शन अर्थमेटिक सेक्शन इस सेक्शन का फंक्शन है कि सभी करना, जैसे कि एडिशन है सब्ट्रैक्शन है मल्टीप्लीकेशन है डिविजन है उनको परफॉर्म करते हैं ठीक है सभी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को हम इसमें करते हैं अब लॉजिक सेक्शन किसे कहते हैं इस लॉजिक सेक्शन का जो मुख्य फंक्शन है वो किसी भी सभी प्रकार के लॉजिक ऑपरेशन जैसे दो फाइलों में कंपैरिजन करना है कोई चीज हमें सेलेक्ट करनी है मैच करानी है या मर्जिंग करानी है तो इस तरह से लॉजिकल जो ऑपरेशन होते हैं वो हम लॉजिकल यूनिट में करते हैं तो सीपीयू को हमने डिवाइड किया ए एल यू सी यू और मेमोरी में ए एलयू को फर्दर हमने डिवाइड किया अर्थमेटिक सेक्शन एंड लॉजिक सेक्शन में और इन सब को अगर हम कंबाइंड कर दे तो हमारा कहलाएगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बस आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे यहां पर अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जो भी बात आपको क्लियर नहीं हुई हो इसमें मोस्टली जो नोट्स बनाए हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स बनाए हैं और बाकी आपको शॉर्ट शॉर्ट नोट्स मैं देती रहूंगी कोई डाउट कोई क्वेश्चन ओके ठीक है तो फिर हम क्लास ऑफ करते हैं क्लास इस क्लास को तो आपको क्या करना है आपको क्लास वन क्लास टू और क्लास थ्री इसको फुल स्टडी करके आना है कल क्योंकि हम इसमें से क्लास वन टू थ्री में जो कुछ भी पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके लास्ट एग्जाम्स में आए हैं चैप्टर वन से रिलेटेड उन क्वेश्चन का पूरा रिवाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन हमें रटने पड़े और कितने हमारे फटाफट निकल गए ठीक है तो इस क्लास को हम यहीं पर ऑफ करते हैं